Hi everyone, assalamu alaikum. Welcome back to our channel Fitness Lovers 19. So guys, this is our day one of advanced workout series. So today we will do back and biceps workout. So guys, this is our first exercise for back. पुलअप्स. पुलअप्स इज़ किंग ऑफ बैक एक्सरसाइज. हम इसको एज ए वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. इसके हमें करने हैं 5 सेट्स, 10 to 15 रेपिटेशंस. यहाँ पे हमें काम क्या करना है, अपने बैक में हमें ब्लड फील करना है, मतलब अपने बैक को हमें पंप करना है, ठीक है. और उसके साथ साथ हम थोड़े लैट पुल डाउन और केबल पुलोवर्स वगैरह भी कर सकते हैं ताकि हमारा बैक अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए. उसके बाद हम चलेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ. सो गाइज, ये है हमारी पहली एक्सरसाइज रैक पुल्स. इसके हमें करने हैं 4 से 5 सेट्स, 8 to 20 रेपिटेशंस. आप यहाँ पे मेरी फॉर्म देख सकते हो, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने नी को क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बार को वापस पुल कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसे आपको करना है और लोअर बैक में आपको आर्क मेंटेन करनी है, लाइक दिस यू कैन सी हेयर. सो गाइज, ये है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज टी बार रोज. इसके भी हमें करने हैं 4 सेट्स, 8 to 15 रेपिटेशंस. और जब हम अपना फोर्थ सेट करेंगे वहाँ पे हमें डबल ड्रॉप सेट करना है. आप फॉर्म देख सकते हो कैसे करना है, आपको अपनी बैक में एक आर्क मेंटेन करके रखनी है. सो दिस इज़ आवर थर्ड एक्सरसाइज, लैंड माइन रोज. तो आप में से बहुत लोग ने ये एक्सरसाइज की भी होगी या नहीं. जनरली हम डंबल रोज़ करते हैं ज़्यादातर, तो उसी के अल्टरनेट में आप कभी कभी लैंड माइन रोज़ कर सकते हो. इसके हमें करने हैं 3 सेट्स, 15 रेपिटेशंस के. सो गाइस, दिस इज आवर फोर्थ एक्सरसाइज फ्रंट लैट पुल डाउन. इसके हमें करने हैं 4 सेट्स, 2 सेट्स क्लोज ग्रिप से करने हैं और 2 सेट्स वाइड ग्रिप से करने हैं विद 8 to 12 रेपिटेशंस. सो गाइस, दिस इज आवर फिफ्थ एक्सरसाइज. इट्स अ यूनिक एक्सरसाइज, मशीन पुलओवर्स. हम में से बहुत कम लोग ये एक्सरसाइज करते होंगे. जनरली हम डंबल पुलओवर्स करते हैं, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं मशीन पुलओवर्स. इसके हमें करने हैं 4 सेट्स, 8 to 15 रेपिटेशंस. तो ये एक्सरसाइज मैं कहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, जहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग्स करते हैं. तो गाइस, अगर आपके लैट्स ग्रो नहीं हो रहे तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना एक बार. सो गाइस, दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज बैक वर्कआउट, बिहाइंड बैक केबल श्रग्स. इसके हमें करने हैं 4 सेट्स विद 15 to 20 रेपिटेशंस. तो जनरली गाइस, आपने देखा होगा कि कुछ लोग शोल्डर्स के साथ कॉलर करते हैं या ट्रैप्स करते हैं, तो मैं बैक के साथ भी एक एक्सरसाइज ट्रैप्स की करता हूँ और शोल्डर के साथ भी करता हूँ, तो मैं दोनों के साथ ट्रैप्स करता हूँ. आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो. सो गाइस, बैक वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम करेंगे बाइसेप्स के लिए थोड़ी एक्सरसाइज. हम यहाँ पे करेंगे 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स की. एक हमने किया यहाँ पे स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो अल्टरनेट डंबल कर्ल. तो हमें एक्सरसाइज ये परफॉर्म कैसे करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें 3 पेयर्स ऑफ डंबल्स लेने हैं. 15 kg यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टार्ट में, उसके बाद 12.5
एंड 7.5। तो 15 केजी से पहले हमें 10 रेप्स करने हैं, उसके बाद विदाउट रेस्ट हमें 12.5 केजी से 10 रेप्स करने हैं, उसके बाद 7.5 से हमें 10 रेप्स करने हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ एवरी सेट इज़ ए ड्रॉप सेट, ऐसे कुछ टेक्निक में इसको बोलता हूँ। तो इसको आप DX सेट भी बोल सकते हो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो इसके हमें करने हैं 3 राउंड्स, उसके बाद हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर से हम अगेन 3 राउंड्स करेंगे इसके। दिस इज अवर सेकेंड एंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टूडेज बैक एंड बाइसेप वर्कआउट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रीचक कर्ल्स, इसके हमें करने हैं 3 सेट्स 15 to 20 रेपिटेशंस के। यहाँ पे हमें काम क्या करना है, हमारी बाइसेप्स ऑलरेडी बहुत ही फटी हो चुकी है बैक वर्कआउट से और जो हमने डंबल कर्ल्स किए। यहाँ पे हमें सिर्फ अपने बाइसेप्स को पंप करना है, मैक्सिमम ब्लड वहाँ पे पहुँचाना है। एज यू कैन सी